गाइस गाइस वापस से हम लोग आ गए माइनक्राफ्ट में। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके बाद के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विलेजर्स को अपने घर में कैसे ला सकते हैं और उसे या तो लाइब्रेरियन या तो आप फार्मर कैसे बना सकते हैं और उसके साथ डील कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अगर आप विलेजर्स को कैच करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये चीज़ें कलेक्ट कर लेनी है। आपको चाहिए प्लैंक्स, उसके बाद आपको उसकी स्टिक बना लेनी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। उन सब में से आपको पहले एक बना लेनी है शॉवल। आपको वुडन शॉवल चाहिए, आप स्टोन की और उसकी नहीं बना सकते। तो मैं एक यहाँ पर शॉवल बना लेता हूँ। मेरे पास स्टिक ख़त्म हो गई है तो मैं स्टिक बना लूँगा। तो फटाफट से मैं स्टिक बना लेता हूँ। यहाँ पर 6 हो गई है, ओके चलेगा। और उसके बाद हम बनाएंगे बोट। आपको यहाँ पर बोट, तो हम एक बोट बना ली। तो अभी हम विलेजर्स को कैच करने के लिए जा सकते हैं। तो फटाफट से मैं विलेजर्स फाइंड कर लेता हूँ और उसको मैं अपनी बोट पर बिठा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मुझे मिल गया। यहाँ पर देखिए वो बोट में बैठ गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बोट कर लेता हूँ और उसे मैं अपने घर तक ले जाता हूँ। अभी मैं बोट से उतर जाऊँगा। याद रखना आप उसको मत उतरना वरना वो भाग जाएगा। आपने यहाँ पर ब्रिज डोर लगाया है तो वो भाग जाएगा। आपको क्या करना है, यह ब्रिज डोर आप सिर्फ उसको पकड़ अंदर लाने के लिए रख देना। और फिर आपको जितने भी विलेजर्स लाने हैं उतनी आप बोट बना कर उसे यहाँ पर लाना। फिर आप ब्रिज डोर तोड़ कर वहाँ पर आयरन डोर लगा देना। वो मैं इसलिए पहले नहीं लगा था क्योंकि अगर आप आयरन डोर लगाएंगे तो वो कुछ सेकंड के लिए खुलेगा तो आपकी बोट अंदर नहीं आ सकती। इसीलिए तो मैंने एक पकड़ लिया, तो मैं एक लाइब्रेरियन और एक फार्मर बना रहा हूँ। तो फटाफट से मैं एक और बोट बनाकर एक और विलेजर लेकर आता हूँ। उसके बाद मैं उन दोनों यहाँ पर आयरन डोर लगा कर उन दोनों को मैं उतारूँगा। तो मैं फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल पर पहुंच जाता हूँ और एक और बोट बना लेता हूँ। शायद से मेरे पास एक और बोट पड़ी है, चेस्ट में है शायद। मैं फटाफट से देख लेता हूँ, नहीं तो हम बना लेंगे। हाँ देखिए ये रही, तो ये मैंने बोट ले ली। अभी मैं फटाफट से वो बोट लेकर उसे यहाँ पर रख देता हूँ। हाँ अभी देखिए मैं फिर से एक विलेजर को फाइंड कर लेता हूँ। और मैं वही बात है, आप ये रखना कि अगर आपका घर देखिए इस तरीके से है तो आप उसके ऊपर से विलेजर्स को लेकर आना क्योंकि वो बोट बाहर नहीं चल सकती। तो आपको जो है वो ऊपर से लाना पड़ेगा। इस बच्चे को मैं मार देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चल मिल गया। अब मैं बैठ जाता हूँ, बोट को घुमा लेते हैं और इसे भी मैं अपने घर में लेकर जाता हूँ। ये बहुत ही धीरे चलती है बहुत धीरे चलती है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो ऐसे उतर जाएगी पर वो चढ़ नहीं सकती है। तो फटाफट से मैं उसे अपने घर में लेकर जाता हूँ। अगर आपने वो मेरी पुरानी शुगर केन वाली फार्म वाली वीडियो नहीं देखी है क्या, तो मैं आपको लास्ट में लिंक आपको वो वीडियो दे दूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत मज़ा आने वाला, देखना गाइस जरूर से। और अगर आपको मेरी वीडियो ये सब पसंद आती है तो फटाफट से लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। ये रहा आयरन डोर, देखिए मैंने काफ़ी सारा आयरन मुझे मिला था तो मैंने डोर्स बना लिए थे। तो हमें बस बटन बनाने हैं, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल पर बटन बना लेता हूँ। आपको बस एक ऐसे ही रखना है तो आपको बटन मिल जाएंगे। मैं दो बना लेता हूँ, तीन चार बना लेते हैं क्योंकि चार वहाँ पर हमें चाहिए। तो मैं फटाफट से इन्वेंटरी में जाकर वो डोर को यहाँ पर रख देता हूँ। वो क्या हुआ था गैस कि वो आयरन ज़्यादा मिल गया ना तो मैं भूल गया, तो एक्साइटमेंट में मैंने 64 डोर बना दिए। इसे मैं तोड़ देता हूँ फटाफट से इस तरीके से। इसको भी मैं तोड़ देता हूँ, यहाँ पर रख देते हैं आयरन डोर, यहाँ पर रख देता हूँ बटन। देखिए इस तरीके से वो ये बटन नहीं खोल पाएंगे। अभी ये बहुत दिक्कत आती है इसमें, वो कुछ ही देर के लिए डोर खुलता है तो आपको ये काम फटाफट से करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर मैं बटन रख देता हूँ, इस तरफ के भी तोड़ देता हूँ। वो दूर लग गया बहुत ही, तोड़ देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। अभी मैं इन विलेजर्स को उतार सकता हूँ, पर अभी आप मत डरना
उससे पहले हम दो चीज़ कर लेते हैं, पर बाहर जाकर क्राफ्टिंग टेबल पर मैं आपको बताना भूल गया। आपको क्राफ्टिंग टेबल पर जाना है, मतलब क्राफ्टिंग टेबल मुझे हाथ में ही रखना चाहिए, सॉरी गाइस मेरी भूल है। तो ये देखिए अभी हम क्राफ्टिंग टेबल, उसमें से आपको बना लेनी है स्लेब, आपको बनानी है स्लेब। ये हमने स्लेब बना ली, स्लेप बनाने के बाद आपको बनाना है कंपोस्टर। तो मैं पता है यहाँ सर्च कर लेता हूँ कम, ये देखिए ये आ गया। अब कंपोस्टर का मीनिंग है कि जो कंपोस्टर है ना, उसका मीनिंग ये होता है कि वो फार्मर बनेगा, वो फार्मर बनेगा। तो मेरे लकड़ियाँ कम पड़ गई है, तो मैं फटाफट से एक पेड़ काट लेता हूँ। एक कंपोस्टर बना लिया। अभी आपको लाइब्रेरियन बनाने के चाहिए एक लेक्टरन, और लेक्टर्न बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास तो पड़ा है, तो मैं आपको रेसिपी बता देता हूँ। लेक्टर्न देखिए ये, इसके लिए चाहिए आपको 3-4 स्लेब और एक बुक शेल्फ। तो मेरे पास तो शायद से पड़ा है, तो मैं तो वही इस्तेमाल कर लेता हूँ, और नहीं तो मेरे पास तो बुक्स भी पड़ी है। ठीक है, मैं अंदर चला जाता हूँ, देख कर आता हूँ, और फटाफट से मैं वहाँ पर से वो कंपोस्टर तो बना लिया हमने, वो कंपोस्टर में, और तो मैं फटाफट से इलेक्ट्रॉन लेकर आता हूँ कि अभी मेरे पास सब कुछ है। मैं अंदर चला जाता हूँ और इन दोनों को फिर बोर्ड से फिर उतारना है। तो देखिए मैं यहाँ पर कंपोस्टर ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन, ताकि एक लाइब्रेरियन बन जाए, वो तो कंपोस्टर है, दो की ज़रूरत नहीं थी पर बन गए हैं, तो अभी रख देता हूँ। यहाँ पर देखो उसने तो फार्मर का काम भी ले लिया, देखिए वो फार्मर बन गया। देखिए वहाँ पर वो कंपोस्टर खड़ा रहेगा, देखिए वो हमें 20 वीट के बदले में 1 एमरेंड दे सकता है, या तो एमरेंड के बदले 6 ब्रेड दे सकता है। लेवल 1 फार्मर, अभी इसको क्या चाहिए, तू भी बन जाना भाई लाइब्रेरियन, इसीलिए वो लाइब्रेरियन की जॉब नहीं लेगा, मुझे सिंपल विलेजर को लाना पड़ेगा। शेट यार, तो कोई बात नहीं है, मैं इसके वीडियो ही ख़त्म होते ही मैं उसको ढूंढ लूँगा। तो आपको पता चल गया कि आपको विलेजर्स घर पर कैसे लाने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल। और अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो शुगर केन वाली नहीं देखी, तो यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको वो मिल जाएगी।